जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मेहता अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, ये मेरे जो छोटे भाई है कुछ, जो इस बार चैनल से नए जुड़े मेरे से, या कुछ जो पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं लेकिन जो SSGD की, RPF की या किसी भी फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके कुछ बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, उनके आंसर भी करूँगा। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि इसकी तैयारी कैसे शुरू करें और किस प्रकार से आपको तैयारी करते रहना है। तैयारी करने का एक तरीका होता है दोस्तों, कुछ लोग जो नए जुड़े हैं वो मेरे से बार बार पूछते हैं। जैसे मैंने SSGD की जब तैयारी किया था, तब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ वीडियो में, और वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे आने वाले वीडियो देख के, आपको आसानी रहे पढ़ने में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं और सही तरीका क्या है पढ़ने का। दोस्तों अभी का जो समय है ऑनलाइन क्लासेज का समय, आप सभी को पता है ऑफलाइन बहुत ही कम बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लासेज अपनी जगह हमेशा ऑनलाइन से बेटर रहेगी, उसमें कोई शक नहीं। टाइम उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन बेटर रहेगी, क्योंकि दिमाग का फॉरवर्ड होना, दिमाग का खुलना बहुत ज़रूरी है तैयारी के लिए। आपको एक बच्चे से दूसरे बच्चे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अपने रूम में पढ़ रहे हो और कोई आपको नहीं देख रहा, ठीक है, वहाँ खुलते हैं एक दूसरे से, विचार विमर्श होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो एक आसान तरीका होता है पढ़ने का, तो वो तो हमेशा ही बेस्ट रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दोस्तों साथ ही मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि किस प्रकार से जो नए लोग जुड़े हैं उनका जो बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि सर हम कैसे तैयारी करें, हम किस प्रकार से तैयारी करें, तो मैं आपको मेरी तैयारी बता रहा हूँ। जैसे मेरी SSGD 2017 में 83 नंबर थे, 2017 मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, 15 में इसकी नोटिफिकेशन थी, तो उसमें मेरे 83 नंबर थे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप SSGD की तैयारी करो, अगर नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं रहती है तो आपको 85 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, यानी जितने मैंने लाए थे उससे आपको दो नंबर ज़्यादा ही लाने पड़ेगी, क्योंकि हमारे समय जो मेरिट रही थी वो 78 लास्ट रही थी राजस्थान से। तो आपको तो इस बार अगर आप बिलोंग करते हो राजस्थान, MP, हरियाणा, UP, पंजाब, तो आपको ये नंबर कम ही है, यानी आपको 85 प्लस का मान के तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले अगर आप SSGD की तैयारी कर रहे हो, मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस पेपर के लिए या इस वैकेंसी के लिए, या अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप किसी भी कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या अगर आप किसी भी RPF चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मैथ और रीजनिंग में पकड़ सबसे शानदार होनी चाहिए आपकी। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे खास चीज़ जो अगर है तो वो है आपकी मैथ और रीजनिंग, यानी मैथ और रीजनिंग की आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आज से करनी। होता क्या है कि 95% लोगों को मैथ से पढ़ते हैं जब नींद आने लग जाती है। मैं इसके बारे में आपको आज कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगा कि आज के बाद में आपको नींद नहीं आएगी जब आप मैथ पढ़ोगे। तो दोस्तों सबसे खास बात है आपकी मैथ और रीजनिंग तो वैसे भी रुचि प्रधान है, उसमें तो आपको रुचि आनी चाहिए। रीजनिंग तो ऐसा है, दिमाग वाला खेल है, उसमें तो काफ़ी रुचि होती है कुछ लोगों को, कुछ को नहीं भी होती है, लेकिन आपको रुचि होनी चाहिए रीजनिंग में, क्योंकि वो तो एक इंटरेस्टिंग है, उसमें कोई नियम नहीं चलता, उसमें एक तरीका जो पहले कुछ दिखाया गया उसी के हिसाब से आपको अगला कुछ करना है, तो वो तो एक इंटरेस्टिंग गेम्स है, तो उसको आपको उसी रूप में लेना चाहिए कि इधर कैसे हुआ उधर ही वैसे हुआ। तो अब जैसे ये चीज़ें आपको कि इसकी डेट क्या थी, उस समय वार क्या था, ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लेकिन मैथ में क्या होता है कि कई जगह एक बंदा जाके जिसका इंटरेस्ट कम होता है मैथ में, वो बोर होने लग जाता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली आपको, जैसे मैंने बता दिया मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है मैथ और रीजनिंग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्पेशली मैथ की तैयारी कैसे करें उसको मैं बताऊँगा, फिर बताऊँगा GK की तैयारी कैसे करें। मैथ की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप हर एक प्रश्नावली के सबसे ईजी क्वेश्चन करें, जो भी इजी क्वेश्चन जो भी आपको आते हैं पहले वो करें। उससे होगा क्या कि आप इजी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन की तरफ पहले ना जाए, पहले इजी क्वेश्चन करें, रिपीट करते रहें, एक टाइप के क्वेश्चन 2-3-4 करते रहें, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा उसमें धीरे धीरे। आप क्या करते हो कि जैसे इजी क्वेश्चन आपको आया टफ क्वेश्चन की तरफ जाते हो, उधर जाते ही आपका दिमाग खिलता है और फिर छोड़ देते हो। तो सबसे पहले आप हर एक प्रश्नावली के या जिस प्रश्नावली को आप मिला रहे उसके इजी क्वेश्चन को मिलाते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको धीरे धीरे वो इजी क्वेश्चन आ जाना चाहिए और वो आपके मतलब मसल मेमोरी में हो जाना चाहिए। मतलब मसल मेमोरी का मतलब है आपके हाथ में, अगर आपका दिमाग नहीं भी चल रहा तो कैसे करना है उस क्वेश्चन का, इतना याद हो जाना चाहिए। बार बार करने से अपने आप ये याद हो जाता है। एक मैंने तरीका बताया था हार्ड क्वेश्चन के लिए कि जब भी आप मैथ का कोई हार्ड क्वेश्चन करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस क्वेश्चन को पढ़ना, हल कर दिया, आपको नहीं आ रहा आप बुक से देखो या ऑनलाइन किसी टीचर की क्लास देखो और आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा, लेकिन देख के आपने कर लिया,
यानी आपने जैसे मैंने अगर कुछ बताया आपने देख के कर लिया, अब आप उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। तो करना क्या है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपने बुक में देख के किया है वैसा का वैसा सेम क्वेश्चन अपने दिमाग से बनाना है, उसमें जो आंकड़े हैं वो आपको अपने हिसाब से रखने और ईजी आंकड़े रखने, हार्ड आंकड़े नहीं, बिल्कुल ईजी आंकड़े रखने, हल्के फुल्के, जिसको आप आसानी से हल कर सको। यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन का जो बात है, क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाती है वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई प्रतिशत का क्वेश्चन है तो उसमें सेम परसेंटेज होना चाहिए, लेकिन उसकी जो संख्याओं का हेर बदल है वो हो जाना चाहिए। तो दोस्तों फिर आप अपने दिमाग से पैदा क्वेश्चन किया हो तो आप कर ही लोगे आसानी से। तो उससे क्या होगा कि आप एक दो बार क्वेश्चन करोगे ना तो बुक वाला भले ही आप भूल जाओगे पैटर्न, लेकिन अपने दिमाग से अपनी इच्छा से जो आपने क्वेश्चन बनाया वो आपने पूरे इंटरेस्ट के साथ बनाया। होता क्या है कि ये चीज़ आपको इंटरेस्ट से जोड़ देती है, इसमें आपका इंटरेस्ट बन जाता है और आप इससे जुड़ जाते हो क्वेश्चन से। मतलब अपने दिमाग से अगर क्वेश्चन बनाओगे तो अपने आप ही जुड़ जाओगे उस क्वेश्चन से, तो फिर वो आप कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। और गारंटी है मेरी, इस तरीके से आप थोड़े से दिन मेहनत कर लो, आपको मैथ में ऐसा इंटरेस्ट हो जाएगा जिसकी हद ना, ये गारंटी मेरी। लेकिन कब होगा, जब आप खुद के दिमाग से क्वेश्चन बनाओगे उस टाइप के, तो उससे क्या होगा आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, अरे मैं ऐसे दिमाग बनाता, मैं ऐसे क्वेश्चन बनाता, इस प्रकार क्वेश्चन तो मैंने बनाया, ये कर लिया। तो ये एक ईजी तरीका होता है मैथ सीखने का। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैथ ऐसे सीखो ऐसे सीखो, ये मेरा जो बेसिक फंडा है आप अपना के देख लीजिए, गारंटी है मेरी अगर आप कभी भूल जाओ तो। इसके बाद में आता है जीके, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है जीके रहता है, जीके के अलावा कुछ। जीके के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ करंट जीके के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, किसी का रुचि नहीं है, तो जो बुक आती है जीके की हर 10 दिन की या 15 दिन की या महीने की जो करंट जीके की बुक आती है वो आप एक बार रीड कर लीजिए, उससे आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप लूसेंट से जीके पढ़ रहे हो तो लूसेंट से आपको उसके नोट्स कैसे बनाने ये मैं पहले भी बताया हूँ, और नोट्स बनाने क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूँ आपको अच्छे से। अगर आप मान लो लूसेंट की वस्तु ने वो वाली बुक ले रखे हो पूरी थ्योरी वाली, तो आपको क्या करना है, एक टॉपिक वाइज पढ़ना है। अगर आप इतिहास पढ़ना शुरू करते हो तो इतिहास के हिसाब से पढ़िए कि उसमें आपको 2 से 3 पेन लेके नोट्स बनाइए, और आपको याद रहने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि नोट्स अगर आप बना रहे हो तो पूरी की पूरी बुक ही लिख दो, बुक नहीं लिखना, उसमें जो चीज़ हाईलाइटेड जिसका क्वेश्चन बन सकता है वही चीज़ नोटबुक में लिखें, उसके सामने एरर लगा के। जैसे अगर आप मान लो साझा के बारे में पढ़ रहे हो तो साझा लिख लो, अब साझा के द्वारा किए गए सारे काम उसके नीचे एरर लगा के लिखते रहो, उसने ये किया था, उसने ताजमहल बनाया था, कब बनाया था, वो डेट लिखते रहो, इस प्रकार से आप नोट्स बनाइए। तो इससे क्या इंटरेस्ट होगा, साथ में साझा ने कौन कौन सी कोई लड़ाई अगर लड़ी है तो कब लड़ी थी, कैसे लड़ी थी, ये साथ में आप उसको जोड़ते रहिए। तो इसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, और जो चीज़ भले ही आप दिन में एक ही पेज तैयार करो, उस पेज को आप अच्छे से तैयार करो, आपको वो याद होना चाहिए, ठीक है। तो 1 से 2 बार आप उसको रिपीट मारोगे, अपने हाथ से नोट्स बनाए हुए हैं तो आपको इजी याद होंगे, जल्दी याद होंगे, और इस प्रकार से टॉपिक टू टॉपिक ही पढ़ें, ठीक है। जब भी आप पढ़ें तैयारी करें तो टॉपिक टू टॉपिक ही जीके और जीएस पढ़ें। इसके बाद में फिर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके भी बारे में ऐसे ही पढ़ें। अगर आप अंतरिक्ष के बारे में पढ़ रहे हो तो अंतरिक्ष की जो पूरी गतिविधियाँ, फिर अलग अलग ग्रह के आप नोट्स बनाएं कि इस ग्रह की ये खास बात है, इस ग्रह को ये बोला जाता है, इस ग्रह को ये नेपच्यून बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, हर एक चीज़ छोटी छोटी बातें लिखिए और उसका नोट्स के रूप में लिखिए। तो उसमें क्या होगा, आपको याद करने का एक आसान तरीका होता, और स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, ठीक है। होता क्या, कई बार एग्जाम जो पेपर देने बैठते हो तो आपको बेसिकली वो चीज़ याद नहीं होती, आपको आपकी नोटबुक का पेज याद होता है कि मैंने नोटबुक में इस साइड वाले पेज पे ये लिखा था, फिर आपको याद आता है हाँ इसका आंसर हुआ। तो इसलिए अपने पेन से शुरुआत में, अभी टाइम है, अभी के लिए लास्ट समय में कभी ऐसा काम नहीं करना कि आप नोट्स बनाने बैठ जाओ, लेकिन अभी आप तैयारी करते हो एग्ज़ाम आपके 6 महीने बाद में, तो आपको नोट्स बनाने चाहिए। इन 3 महीनों में आपको इस प्रकार से पढ़ना चाहिए तो आपको अच्छे अच्छी थ्योरी पढ़े, लूसेंट से बनाए या कोई भी जीके की बुक से बनाए, लूसेंट बेटर बुक है, तो उससे अगर आप बनाते हो तो इस प्रकार से बनानी चाहिए दोस्तों। आप एक बार ऐसे तैयारी करिए, ये मेरा तरीका है, आपका भी ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, एक बार ऐसे तैयारी करिए, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जय हिंद, जय भारत।